नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आराध्रक में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को धूप जलाने के विषय में कई सारे वीडियो बनाकर दिए हैं और उसमें नारियल के छिलके का ही इस्तेमाल करने के बारे में मैंने कहा है, पर कई लोगों को एक चीज़ मुझे लगता है बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। वैसे कई लोगों का तो कहना है कि वो लोग गोबर के कंडे से ही जलाते हैं क्योंकि वहाँ पर गोबर के कंडे मिल जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको शुद्ध गोबर के कंडे मिलते हैं तो इससे बढ़कर तो अच्छी बात नहीं है। पर इसका ऑप्शनल नारियल का छिलका नहीं होता है, बल्कि आप गोबर के कंडे या फिर नारियल के छिलके दोनों में ही जला सकती है। कोई ऑप्शनल नहीं है कि आपको अगर गोबर के कंडे नहीं मिल रहे तो ही आप नारियल के छिलके में जला सकते हैं। नारियल के छिलका जो है ना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि नारियल जो होता है, खासकर पूर्वी भारत में नारियल को लक्ष्मी नारायण का प्रतीक माना जाता है। आपको घरों में भी नारियल का पेड़ मिलेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है ना, जैसे उड़ीसा साइड और बंगाल साइड, बिहार में भी आपको कुछ मिलेगा, तो नारियल को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है वहाँ पर। इसलिए नारियल की जो छिलके होते हैं उसका इस्तेमाल करके जैसे हवन जलाई जाती है काष्ठ में, उसी तरीके से नारियल के छिलके में अग्नि प्रज्वलित करके धूपाग्नि जलाई जाती है, तो इसलिए नारियल के छिलके बहुत शुभ होता है। वैसे आप गोबर के कंडे में भी जला सकते हैं, पर मैं फिर से कहता हूँ ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि गोबर के कंडे आपको ना मिले तो आप नारियल के छिलके में जलाइए। एक एक जगह की ना एक एक ज़्यादा प्रचलन होती है। कहीं पर जो है गोबर के कंडे में ही ज़्यादा जलाई जाती है धूप धुनी जो है, और कहीं पर जो है यानी भारत की दूसरे प्रदेशों में जो है वहाँ पर नारियल के छिलके का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पूर्वी में और दक्षिण के तरफ जो है ना, पूर्वी भारत में और दक्षिण के तरफ जो है आपको ये नारियल के छिलके का ही ज़्यादा इस्तेमाल मिलेगा। वैसे बनारस में मैंने देखा है कि वहाँ पर नारियल के छिलके और गोबर के कंडे दोनों का ही सेम इस्तेमाल किया जाता है। यानी कुछ लोग जो है अपनी पूजा में नारियल के छिलके का ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग जो है वहाँ पर सिर्फ गोबर के कंडे में ही जो है ना ये धूप प्रज्वलित करते हैं। दोस्तों, तो ये आपके पसंद के ऊपर निर्भर करता है, ऐसा कोई समस्या नहीं है। और अगर आप एक दिन गोबर के कंडे में जलाते, एक दिन नारियल के छिलके में जलाते हैं आपके पसंद के अनुसार, तो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है इसमें। पर समस्या यहाँ पर जो चीज़ हो रही है वो ये है कि कुछ लोग जो है चारकोल को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो लिख रहे हैं मुझे, यानी कमेंट्स करके या मेल करके मुझे बोल रहे हैं कि हम चारकोल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो भी तो नारियल से ही बना हुआ है, तो क्या ये करना सही हो रहा है? तो पहली बात, नारियल से बने हुए है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नारियल के छिलके के समान हो रहा है। मैंने एक बार भी नारियल से बने हुए चारकोल इस्तेमाल करने के बारे में नहीं कहा है। वैसे नारियल से ही चारकोल बनता है, नारियल के जो खोल होता है, जो सेल होता है, उससे ही चारकोल बनाई जाती है, पर वो इस्तेमाल करके मैंने धूप करने के बारे में कभी नहीं कहा है। वो जो होता है ना धुएं करने की कुछ दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, मैं वहाँ उन चीज़ों का यहाँ पर कोई नाम नहीं ले रहा हूँ। पर धूप करने के लिए आपको सूखे जो भूरे रंग के जो नारियल के छिलके होते हैं आपको उसका इस्तेमाल करना है, आपको चारकोल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको नारियल के सेल यानी खोल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग गोबर के कंडे के साथ खोल जला कर जो है, या फिर जो छिलका होता है थोड़ा बहुत खोल समेत जला देते, खोल से वो छिलके को अलग ना करके उसे जला देते, ये बहुत ही हानिकारक होता है। दोस्तों, मैं आपको कहूँगा आपको नारियल का खोल नहीं जलाना है, नारियल के खोल आप मत जलाइए। मैंने कभी भी आपको जो है ना नारियल के खोल जलाने के बारे में नहीं कहा है। नारियल के खोल या फिर चारकोल में अगर आप घी डालते हैं तो उसका मतलब एक तरीके से वो कोयला ही जलाना हो जाए, वो अंगीठी जलाने के समान हो रहा है, वो धूपाग्नि प्रज्वलित करना नहीं हो रहा है। मैं हर बार आपको कहता हूँ कि आपको धूपाग्नि प्रज्वलित करना है, जो धुनची धूप है उसमें धूपाग्नि प्रज्वलित करेंगे तभी जो है ना वो आप भगवान को निवेदन करेंगे, उससे आप धूप आरती धूप सेवा करेंगे। पर अगर आप वैसे चारकोल में ऐसे बस धुएं के लिए कर रहे हैं तो बहुत ही गलत हो जाता है वो, क्योंकि बार बार मैं आपको एक ही विषय बोल रहा हूँ, धुनची धूप में धूपाग्नि प्रज्वलित करना है, केवल धुएं के लिए और सुगंध के लिए आपको धुनची धूप का इस्तेमाल नहीं करना है। ये कन्फ्यूजन आप लोग बहुत सही तरीके से अपने मन से सबसे पहले दूर कर लीजिए। गलतफहमी को अगर अपने मन में रखेंगे और गलत तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो उसका जो है ना आपको पूजा में भी गलत असर मिलेगा। दोस्तों, इसलिए आप जो है सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए।
वैसे दोस्तों मैंने ऑलरेडी नारियल के छिलके का क्या आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किस पार्ट को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने उसके ऊपर जो है ना एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। मुश्किल ये होता है कि कई जगह पर नारियल के छिलके को भी नारियल के खोल कहा जाता है, पर इंग्लिश में जो होता है ना नारियल हस्क जो होता है वो जो होता है यानी कोकोनट हस्क कहा जाता है, जिसे वो जो होता है वो छिलका होता है और जो वो कोकोनट जो वो सेल होता है वो नारियल के खोल होता है यानी सख्त वाला जो पार्ट होता है नारियल का, जो कटोरी की तरह होता है सख्त वाला, जिससे नारियल अगर आप अलग कर रहे हैं उसके बाद जो है यानी नारियल का जो वो नरम पार्ट है उसे आप अलग करने के बाद जो है उसका जो सेल पड़ा रहता है उसे ही कहा जाता है दोस्तों। तो इसलिए जो है आपको इस बात का आपको समझना है कि मैं आपको छिलके इस्तेमाल करने के बारे में कह रहा हूँ, मैं एक बार भी आपको जो है ना सेल इस्तेमाल करने के बारे में यानी चारकोल इस्तेमाल करने के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो ये भी बना कर दिया है कि आपको कोयले का इस्तेमाल नहीं करना है, तो चारकोल तो कोयला ही हो गया, तो आप अगर चारकोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कोयला ही हो रहा है, तो इसलिए आपको चारकोल या कोयले ये आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको शुद्ध गोबर के कंडे मिलते हैं तो आप उसे इस्तेमाल करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं चारकोल से जलाना पसंद नहीं करता हूं, तो बिल्कुल ही पसंद करना ही नहीं चाहिए, आपको चारकोल से जलाना ही नहीं चाहिए। सबसे जरूर पहली बात, चारकोल इसमें कुछ इस्तेमाल ही नहीं होगा, इसमें आपको जो नारियल के जो छिलके है उसका आपको इस्तेमाल करना है, नारियल का सेल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो कंफ्यूजन होता है ना खोल में और छिलके में, क्योंकि नारियल के छिलके को भी कई जगह खोल ही कहा जाता है, तो आपको छिलका जो है वो इस्तेमाल करना है जिसमें नारियल की जटा होती है वो आपको इस्तेमाल करना है, जो जटा समेत जो छिलका होता है वो आपको इस्तेमाल करना है, नारियल का सेल यानी जिसे खोल कहा जाएगा कटोरी की तरह सख्त वाला पार्ट जो है उसे आपको इस्तेमाल नहीं करना है धूपाग्नि के लिए। दोस्तों ये विषय आप बहुत सही तरीके से समझ लीजिए, और बाजार में मिलने वाले जो वो धुएं के लिए जो चारकोल मिलते हैं नारियल के सेल से बनाए जाते हैं उसका इस्तेमाल करके कभी भी पूजा की धूपाग्नि नहीं होती है। इस चीज़ ये कन्फ्यूजन आपको जो है ना दूर करना ही होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को उसका गलत असर मिलेगा शायद, क्योंकि चारकोल अगर आप जला रहे हैं तो वो आपके सेहत के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है और साथ में जो है ना आपकी पूजा की फल भी नहीं देगा, धुनुची धूप धूपाग्नि जलाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि धूप जो आप प्रज्वलित कर रहे हैं वो केवल सुगंध के लिए नहीं है, उसमें सुगंध यानी सुरभि की विषय तो है ही, सुरभि तो है ही, क्योंकि हवन में भी जैसे सुरभि बरकरार होती हवन करने के बाद तो धूप में भी वही विषय है धुनुची धूप में, पर वो जो है ना केवल सुगंध के लिए नहीं होता है। हम सोच रहे हैं केवल बहुत सारा धुआं हो जाएगा उसमें चारकोल जलाकर उसमें घी डाल देंगे उसमें बहुत सारा धुआं हो जाएगा उसमें हम धूप डाल देंगे एक सुगंध छा जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको नियम के मुताबिक जो है ना आपको धूपाग्नि प्रज्वलित करना है घी के बाती से या कपूर से, उसके बाद ही वो जो है ना धूप सामग्री के साथ निवेदित होगा। इस विषय को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल होगा, मुझे लगता है कि आपको ये सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। और एक सवाल मुझे और भी इसके विषय में मिलता है तो मैं वो भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो नारियल के छिलके जो होते हैं वही आप इस्तेमाल करने के बारे में ज़्यादा कहते हैं गोबर के कंडे की जगह पर हमारे यहाँ पर गोबर के कंडे ही मिला करते शुद्ध वाले, तो आपके वहाँ पर अगर जो है गाय के शुद्ध गोबर के कंडे मिल रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे घी के साथ कपूर के साथ जलाइए। मैं नारियल के छिलके की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे प्रदेश में पूर्वी भारत में खासकर नारियल के छिलके के माध्यम से ही धुनुची धूप जलाई जाती है जो कि शुद्ध नारियल छिलका होता है, क्योंकि नारियल से बढ़कर जो होता है ना और कोई शुद्ध चीज नहीं हो सकता है। ये मान्यता है कि भगवान विष्णु के माध्यम से ही नारियल का पेड़ जो है वो धरती पर आया था और इसलिए उसमें लक्ष्मी नारायण का आशीष होता है। अगर नारियल की किसी भी वस्तु से जो है धूप आदि या पूजा के कार्य किया जाता है तो वो बहुत ही शुभ होता है, ये हमारे यहाँ पर मान्यता है। तो इस वजह से नारियल के जो छिलके होते हैं जो सूखे वाले जो छिलके होते हैं उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर धूपाग्नि जलाई जाती है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में ये आपको
दिखाया है, यानी प्रैक्टिकली करके दिखाया है, और मैंने जो मेरा जो एक धुनुची में किस तरीके की नारियल के छिलके का इस्तेमाल होता है उस बारे में भी मैंने आपको एक वीडियो बना कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपके वहाँ पर अच्छे गोबर के कंडे मिल जाते, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो गोबर के कंडे मिलते हैं ना उसमें केरोसिन वगैरह मिला होता है, और मैंने कई बार जलाकर देखा उसमें से कुछ अलग तरीके की बदबू आते हैं, वो सिर्फ अंगीठी में जलाने के लिए होता है, यानी कि अंगीठी में जिस तरीके से खाना बनाने के लिए लोग जलाते हैं ना गोबर के चीज़ों को कोयले के साथ, तो वो उसके लिए उस भावना के साथ बनाई जाती है। इसलिए मैं यहाँ पर गोबर के कंडे का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। वैसे गोबर के कंडे में भी जो होता है ना नारियल के छिलके जो छोटे छोटे टुकड़े होते वो एक साथ उसे मिलाकर जो है ना लोग उसे उस कंडे को बनाकर रखते हैं और उससे भी धूप करते हैं, उससे भी जो है ना धूप करते हैं। तो अगर आप बना पाते हैं, आपके आसपास कोई गौशाला है या फिर आपके खुद के घर में ही है, तो आप छोटे छोटे नारियल के छिलके जो है ना छोटे छोटे एकदम पीसेस में करके वो आप गोबर के साथ मिलाकर उससे भी आप धुनी कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ पर क्योंकि नारियल के छिलका ही मिलता है और मैं उसी से धूप करता हूँ, इसीलिए मैं जो है ना आप लोगों से वही चीज़ शेयर करता हूँ और उसी के लिए कहता हूँ, क्योंकि जो मैं करता हूँ मैं वही आपको कहूँगा ना दोस्तों। जो चीज़ मैं नहीं करता हूँ, अगर मैं उस चीज़ के बारे में बताने जाऊँगा तो वो मैं शायद सही तरीके से आपको समझा नहीं पाऊँगा। तो हमारे यहाँ पर जो कंडे मिलते वो उतना शुद्ध नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ पर नारियल के छिलके में ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, और हमारे प्रदेश के नियम के अनुसार से, यानी अगर देशाचार की बात करें, लोकाचार की बात करें, तो यहाँ पर जो है नारियल के छिलके का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है ये धूप करने के लिए। तो इसी वजह से जो है मैं आपको नारियल के छिलके में ही धूप करने के विषय में कहता हूँ। पर चारकोल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, चारकोल का इस्तेमाल नहीं करना है, और नारियल के जो छिलके होते वो चारकोल नहीं होते। जो सूखे वाले जो नारियल के छिलके होते हैं, आप उसे ताज़ा भी बोलते, यानी ताज़ा जो सूखे वाले होते यानी ओरिजिनल फॉर्म में होता है, वो कोई असल फॉर्म में होता है, उसे किसी भी प्रकार से कोई जो है अलग उसे जलाकर एक तरह का चारकोल पाउडर वगैरह या फिर ऐसा कुछ किया गया है ऐसा नहीं। जो उसके ओरिजिनलिटी होती है ना उस फॉर्म में जो होता है नारियल के जो छिलके वही धूपा के लिए जलाना होगा। हमारे यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है कि नारियल के छिलके के साथ वो सेल जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे धुआँ जो है और भी ज़्यादा होगा, पर ये सही तरीका बिल्कुल नहीं है। मैं कईयों को इस बारे में कहा हूँ कि आप जो नारियल के सेल यानी कि जो खोल है, जो सख्त वाला पार्ट है, उसे कभी भी छिलके के साथ इस्तेमाल मत करिए, वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है वो जलाना। तो और पूजा में जो है ना उसका इस्तेमाल नहीं होता है, धूपाग्नि प्रज्वलित करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो चारकोल जो है वो नारियल के सेल से बनता है, यानी नारियल के जो सख्त वाला खोल होता है दोस्तों उससे बनता है। तो नारियल के उस खोल के इस्तेमाल करके आपको धूपाग्नि नहीं करना है, या फिर जो है बाजार से भी जो चारकोल मिलता है उसे ले आकर आपको धूपाग्नि नहीं जलाना है। केवल जो है ना नारियल के जो सूखे वाले छिलके होंगे जो ओरिजिनल में मिलता है, यानी ओरिजिनलिटी के साथ मिलता है, किसी भी दूसरे तरीके की उसकी कृत्रिमता नहीं है उसमें, बस ओरिजिनली वो सूखे वाले जो नारियल के छिलके मिलेंगे आपको उसी से जो है धूपाग्नि प्रज्वलित करके आपको भगवान की धूप आदि कार्य करना है। ये बात मैं फिर से आपको एक बार कहता हूँ दोस्तों, चारकोल नारियल के सेल से बनता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उससे धूप की जा सकती है। धूप जो है वो केवल धुएं के लिए नहीं होता है, वो धूपाग्नि होता है, वो हवन समान होता है दोस्तों। तो इसलिए जो है अगर आपको गोबर के शुद्ध कंडे मिल रहे हैं तो आप उसमें कर सकते हैं, और अगर जो है आप नारियल के छिलके में करना चाहते हैं तो आपको उसमें सेल का या चारकोल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सूखे वाले जो नारियल के छिलके हैं, जो जटा वाले होते हैं, यानी जटा वाले जो नारियल के शुद्ध सिलके छिलके होते हैं, उसका इस्तेमाल करके ही आपको धूपाग्नि जलाना है धुनुची धूप में। तो मुझे लगता है इस विषय में जो भी कन्फ्यूशन आप लोगों को था वो दूर हो गया है दोस्तों, और अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूशन है इस बारे में तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, और अगर और कोई ऐसी विषय के बारे में आपकी और कोई जानकारी चाहिए तो भी मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।